हेलो हेलो जनता कैसे हैं आप लोग क्या हाल चाल दिस इज मी अनुभव है और आज हमारा सेशन है डू और डाय चैप्टर्स के बारे में तो बेटा ये जो सेशन है इसकी आपको बहुत ज्यादा जरूरत है आप जाने या ना जाने बेटा ये ये जो सेशन है ये आपको मार्गदर्शन देने के लिए बनाया गया है ये जो सेशन है ये सेशन बनाया ही इसलिए गया है ताकि आपको एक दिशा मिले और आप जो गुमराह हो जाते हैं अलग अलग तरह की रील्स आती हैं अलग अलग तरह के शॉर्ट्स आते हैं इन तरह की चीजों से आप हो जाते हैं गुमराह मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आपको ऐसी चीजें गुमराह करती हैं आपको कई जगह पर देखने को मिलता है कि ये पांच चैप्टर कर लो एक नंबर आ जाएंगे या सात चैप्टर कर लो एक नंबर आ जाएंगे ये, ये चीजों से बचने के लिए मैंने आपको एक डिटेल एनालिस बना के दिया है ऐसा डिटेल्ड एनालिस जो आपको बेटा बहुत कार गार साबित होगा मुझे किसी किसी चीज से कोई मतलब नहीं है मुझे मतलब है सिर्फ आपकी सक्सेस से मुझे और कोई चीज से मतलब नहीं है मुझे चाहिए कि सिर्फ आप लोग सक्सेस हो जाएं क्योंकि आपकी सक्सेस में ही मेरी सक्सेस है मैं आपको झूठ जूट, झूठा दिलासा नहीं दूंगा मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा क्योंकि आपसे झूठ बोलना मतलब मैं अपने आप को झूठा दिलासा दे रहा हूं मैं अपने आप को झूठ बोल रहा हूं क्योंकि मैं अपनी सक्सेस से फिर दूर भागूंगा क्योंकि मैंने आपसे झूठ बोल दिया तो मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा आपको साफ साफ एकदम शिद्दत से एक एक पैनी चीज दिखाऊंगा आर यू गाइज रेडी फॉर दिस आर यू रेडी फॉर द ग्रेट दिसन कि आपको पता चल जाएगा कि भाई हमारे लिए फिजिक्स में सबसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक कौन से हैं सबसे जरूरी टॉपिक कौन से हैं क्या आप एक्साइटेड हैं जरा तेजी से कमेंट सेक्शन में आग लगा करके बता दीजिए कि चीकू भैया सब कुछ सॉर्टेड है चलो शुरू करो और हमें बता दो कि भैया ये फिजिक्स के सबसे खतरनाक चैप्टर कौन है मैं ऐसे-वैसे ही नहीं बताने वाला बेटा दिखाऊंगा प्रूफ।, ये ये प्रूफ मैं आपको 10 मिनट का सेशन भी बना रहा हूं तो उसमें पूरी मेहनत करके बना के लाऊंगा ऐसा एक ठोस सबूत साथ में लेकर आऊंगा कि आपको भरोसा होगा ही होगा कि हाँ भाई ये सत्य है ये दिख रहा है यही रास्ता है ओके okay, चलिए शुरू करते हैं भाई सेशन सेशन की शुरुआत होती है 2021 से क्योंकि बेटा कोविड के बाद के जो पेपर्स हैं हम उनके एनालिसिस के ऊपर बात करेंगे 2021 में नीट में आए थे 45 क्वेश्चंस लेकिन 2022 में थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ 50 क्वेश्चंस आने लग गए में टू में फिफ्टी क्वेश्चन आए अब 2024 में भी 50 क्वेश्चन ही आएंगे अब इसके बाद नीट ने इन तीनों सालों में 2021 2022 2023 में 24 सॉरी uh, 45 50 50 क्वेश्चन पूछे लेकिन तरीका सेम रखा नीट ने अपनी फितरत नहीं बदली फितरत क्या है फितरत देखो बेटा कि 2021 में 2021 में, में मेरे साथ सामने आप लिख देखिए 2021 में ना 16 क्वेश्चन आउट ऑफ 45 पूछे कहां से 11 से जो ऑलमोस्ट 36 आते हैं 36% सिलेबस कहां से आया है से आया बेटा 2021 में 36 सिलेबस से आया है 2021 में 36 परसेंट सिलेबस से है. और बेटा बचा हुआ ज्यादा है, है? है, तो है आप, आप गैस कर सकते हैं कर सकते हैं टू क्या क्या है, में क्या हुआ ये बेसिक बातें सबको पता होता है लेकिन मैं इसके आगे भी बताऊंगा ठीक है तो 2022 में क्या हुआ 2022 में 42 परसेंट 50 क्वेश्चन कर दिए थे यहां 45 क्वेश्चन पूछे थे यहां 50 क्वेश्चन कर दिए थे तो 42 परसेंट जो सिलेबस आया वो 11 से आया लेकिन अगेन 58 परसेंट सिलेबस बच्चा मेजर जो सिलेबस है बहुमत जिसका आया वो किसका किसका आया ट्वेल्थ क्लास का आया ट्वेल्थ क्लास से भैया कितना सिलेबस आ रहा है 58 कैन यू गेस कैन यू गेस 2022 में 23 में क्या हुआ तो 2023 में बेटा अगेन 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 देखो बेटा फिर से 20 क्वेश्चन सीधे सीधे ट्वेंटी क्वेश्चन कहां से आए 2023 में बट 23 में 40 परसेंट सिलेबस कहां से आया है 11 से और अगेन 60 परसेंट सिलेबस कहां से आया है 60 परसेंट सिलेबस कहां से आया है तो भैया यहां पर 60 परसेंट सिलेबस अगेन आया है 12 से तो बड़ा एक खुशखबरी है उन लोगों के लिए जिन लोगों को 12 जो 12th बोर्ड में बेटा ये खुशखबरी उन लोगों के लिए ट्वेल्थ बोर्ड में तो पहला सवाल तो ये बन गया कि डू और डाई चैप्टर में ज्यादा डूएबल चैप्टर कौन से होंगे अगर आपको ज्यादा टारगेट करना है तो किसको टारगेट करेंगे ट्वेल्थ के चैप्टर्स को तो पहला जवाब तो आपको यहां मिल गया कि आपको फोर्टी परसेंट और सिक्सटी परसेंट में ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है तो ट्वेल्थ के चैप्टर इंपॉर्टेंट है और देखा गया है कि जो बच्चे ट्वेल्थ के चैप्टर्स करते हैं जो बच्चे ट्वेल्थ के चैप्टर्स के पीछे भागते हैं जो बोर्ड करते हैं उनको बहुत ज्यादा फायदा होता है

मैंने हर एक साल के पेपर के क्वेश्चन गिने चुके हैं तो हर कहीं लिखे हुए रहते हैं नहीं मैंने शिद्दत से वो जो टीचर वाली आंख होती है ना मैंने ऐसे नहीं खुद बैठ के गिने हैं कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं ये मैंने पेपर लिया है पेपर के ऊपर बकायदा मार्किंग की है उसके हिसाब से मैंने सारे क्वेश्चन टिक करे हैं अब देखो दो में

एस मतलब सबसे छोटा चैप्टर उससे बड़ा चैप्टर के लिए क्या डाला है एम डाला है उससे बड़े चैप्टर 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 के के लिए लिए क्या क्या डाला 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 है 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 एल और सबसे बड़े एक्सएल तो यहां पे हर का साइज लिखा हुआ है तो आपको अंदाजा भी रहेगा कि कौन सा चैप्टर किस साइज का है और उस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा डिटेल आप लोगों के लिए टेबल मिल गई है अब आपको जब भी किसी चैप्टर को पढ़ना है आप ये वाली टेबल को देख करके एनालाइज कर सकते हैं पर मैंने भी समरी बनाई है मैंने भी आपके लिए समरी बनाई आखिरी में समरी भी दूंगा आपको आखिरी में समरी भी मिलेगी कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है मैं आखिरी में सबूत भी दिखा दूंगा कि भैया कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है 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 अब देखो दरा, देखो जरा जरा इन एंड मेजरमेंट एम साइज का चैप्टर चैप्टर स्मॉल वो होता है जो एक एक लेक्चर में खत्म हो जाता है या एक से दो लेक्चर में दो घंटे जिसको पूरी थ्योरी कंप्लीट होने में दो से ढाई घंटे लगते हैं वो स्मॉल होता है एक ऐसा चैप्टर जिसको जो दो से तीन लेक्चर में जाता है वो चैप्टर होता है एम जो चार से पांच लेक्चर में चला जाता है वो चैप्टर हो जाता है एल जो चैप्टर छे लेक्चर से ज्यादा लेता है उसे हम एक्सेल चैप्टर बोल देते हैं ठीक है तो जो एक में एक, दो में खत्म हो रहा है वो एस है दो तीन में खत्म हो रहा है वो एम है जो तीन चार पांच तक जा रहा है वो कौन सा चैप्टर है वो एल चैप्टर है और भैया सबसे बड़ा चैप्टर जो होगा कि पांच छह के भी बार जा रहा है वो कौन सा चैप्टर होगा एक्सेल चैप्टर होगा जिसमें छह लेक्चर लग रहे हैं मतलब एक्स वाले से एस वाले से तीन या चार गुना टाइम लग रहा है स्मॉल चैप्टर से चार गुना टाइम लग रहा है वो वाला होगा तो आपको फड़फड़ाना नहीं है सबसे पहले आप देखो मतलब सवाल, सवाल, तीन, सवाल, तीन पूछे गए फिर चार पूछे गए फिर दो सवाल पूछे गए अगले साल फिर ज्यादा पूछेंगे बेटा अगले साल फिर मतलब इस वाले अटेम्प्ट में ज्यादा सवाल पूछने के चांसेस मेजरमेंट में तीन पूछे चार पूछे

मतलब क्वेश्चन उतनी आ रहे हैं लेकिन यूनिट एंड मेजरमेंट से ज्यादा टाइम ले रहा है मोशन में। में तो तो इन स्ट्रेट लाइन तो को, को. यह बात आपको समझ में आ रही है आपको टाई ब्रेकर बनाना होगा अब यहां पे हर लेक्चर का आप बना सकते हो आप किसी भी लेक्चर के लिए इस चीज के ऊपर डिसाइड कर सकते हो ये मैट्रिक्स आपका है मैंने भी डिसाइड करके पूरा

फ्लूड मैकेनिक्स एक्सेल साइज का चैप्टर है बड़ा चैप्टर है दो क्वेश्चन दो क्वेश्चन एक क्वेश्चन भाई छह लेक्चर ले रहे फ्लुइड मैकेनिक्स कंप्लीट करने में अगर डिटेल में पढ़ोगे ना फ्लुइड मैकेनिक्स पढ़ोगे फ्लुइड डायनामिक्स पढोगे बर्नोलिस इक्वेशन पढ़ोगे वेंचुरी मीटर पढ़ोगे विस्क्वासिटी पढ़ोगे सर्फेस टेंशन पढ़ोगे इतनी सारी चीजें जब कंप्लीट कर लोगे शिद्दत से पूरी जाके आपको फ्लूड मैकेनिक्स समझ में आएगा और उसमें से दो दो एक क्वेश्चन आ रहे हैं तो बट आप देख सकते हो हर एक चीज के क्वेश्चन मैंने यहां लिख रखे हैं क्या इसका मतलब ये फ्लुइड मैकेनिक्स नहीं पढ़ना है नहीं इसका मतलब ये नहीं है कि फ्लुइड मैकेनिक्स नहीं पढ़ना है इसका मतलब ये है कि जो चैप्टर साइज में छोटे हैं जो चैप्टर इससे साइज में छोटे हैं और ज़्यादा क्वेश्चन जिन चैप्टर से आ रहा है वो हमें पढ़ना है और चीकू भैया ने बता दिया है कि कौन से चैप्टर ऐसे भैया पोल खोल और आपको पढ़ना है या आपको, अगर, आप देख रहे हैं, अगर आपके पास ये वाली एनालिसिस है तो इलेवन के सारे चैप्टर पर कितने से पूछे ट्वेंटी ट्वेंटी यही था किया है। अच्छा एक है, एक लेकिन ही नहीं पूछा क्या कोई कमेंट करके बता सकता है क्या कोई गैस कर सकता है अभी इस पॉइंट पे कोई बाद में वीडियो देख रहा है तो कमेंट करके बता दे टाइम स्टेम डाले कमेंट करके बता दे मैंने गेस कर दिया एक ऐसा टॉपिक है इलेवन का जिससे क्वेश्चन ही नहीं आ रहे मैं दिखाता हूं वो टॉपिक आपको देखो ये रहा

तो ये इंपॉर्टेंट हो गया पढ़ेंगे लेकिन सबसे आखिरी में पढ़ेंगे हो सकता है ना आए और हो सकता है आ भी जाए लेकिन भैया क्या हम इसे छोड़ देंगे हाँ छोड़ तो नहीं देंगे आखिरी में पढ़ेंगे इसकी प्रायोरिटी कम कर देंगे क्योंकि पुराना इतिहास गवा दे रहा है कि अभी तक नहीं जीता बेटा ऐसा है कि बांग्लादेश में चार मैच इंडिया के हुए बांग्लादेश से और तीन मैच में इंडिया जीता एक मैच में बांग्लादेश जीता ठीक है तो चांसेस किसके ज्यादा है क्या बांग्लादेश नहीं जीत सकता जीत सकता बेटा पर चांसेस कम है ना तो ये एकदम वही वाली बात ओके okay, तो क्या ये नहीं आएगा हो सकता है ना आए बिल्कुल ना आए पर हो सकता है आ भी जाए पर क्या इसके चांसेस समय तो कम पड़ता है एवरी वन इज सुपर डुपर सॉर्टेड ऐसे ही ट्वेल्थ में भी चैप्टर है ट्वेल्थ का तो एक बहुत छोटा एक लेक्चर का चैप्टर है ये है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर सॉरी मैग्नेटिज्म एंड मैटर मैग्नेटिजम मैटर से देखिए बेटा कोई क्वेश्चन नहीं आया फिर एक क्वेश्चन आया फिर कोई क्वेश्चन नहीं आया पर ये तो बहुत छोटा चैप्टर है एक ही लेक्चर का है आप वैसे भी इसे पढ़ ही लोगे कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है तो बेटा यहां पर भी देखिए सब चीज का एकदम भयानक वाला डिटेल एनालिसिस है ट्वेल्थ में भी हर एक टॉपिक को साइज वाइज मैंने यहां पर नंबर दिए हैं आप देखेंगे ट्वेल्थ का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर कोई निकल के आता है तो वो निकल के आता है सेमाई आर यू गाइज गेटिंग इट यार भयानक वाला एनालिसिस निकाल दिया भयानक वाली रिपोर्ट निकाल दी है आपके लिए एकदम काम की चीज है अब चीखो भैया ये सब चीज तो हम देखो कब तक ढूंढते रहेंगे क्या यही सब करना है नहीं मैंने आपको बताया कि मैंने क्या करा है ये तो मेरी रिसर्च है ये तो मैंने आपको बताया क्या करा है आपको और ज्यादा डिटेल में जाना है चैप्टर चैप्टर के बारे में देखना है है इससे कब कौन से कितने आए और इसका साइज क्या है तो आप इसे रिफर कर सकते हैं लेकिन मैंने यहां क्या, क्या करा मैंने यहां एनालिसिस करके लिख दिया भैया कि इससे ट्वेल्थ से इतने पर क्वेश्चन आए इलेवन से इतने क्वेश्चन आए और मैंने यहां पर सारे चैप्टर जो थे शॉर्ट के कितने हैं लार्ज के कितने चैप्टर हैं मीडियम के कितने चैप्टर हैं एक्सेल के कितने चैप्टर हैं सारे चैप्टर को लाइन से लिखा और हर चैप्टर का हर हर साइज के चैप्टर्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आइडेंटिफाई करके बताया देखो भैया हमारे पास स्मॉल है तो स्मॉल में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड था तो उससे एक क्वेश्चन आ रहा है हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है भैया इसके बाद था से से हर साल शिद्दत से एक क्वेश्चन आ रहा है एक से दो लेक्चर के चैप्टर है ये भी एक से दो लेक्चर का ये भी एक से दो लेक्चर का और दोनों से कितना चैप्टर आ रहा है भैया जल्दी बताओ दोनों से कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं एक एक क्वेश्चन आ रहा है हर बार क्वेश्चन आ ही रहा है इसके बाद आता है मैकेनिकल प्रॉपर्टी सॉरी मैग्नेटिज्म मैकेज मैटर मैग्नेटिज्म मैटर से से वन मतलब या तो कोई क्वेश्चन नहीं आएगा या एक क्वेश्चन आया जीरो से वन मैंने आपको अभी दिखा था मैग्नेटिज्म एंड मैटर और सबसे इंपॉर्टेंट इन शॉर्ट साइज के जो चैप्टर्स हैं वैसे तो आपको चारों ही करने क्योंकि एक एक लेक्चर के चैप्टर हैं ये चार चैप्टर आपको छोड़ के नहीं जाने एक ही लेक्चर में हो जाएगा अभी भी नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है. कहीं से भी कोई वीडियो उठा लो, मैं कवर कर कवर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी सॉर्टेड हो जाएगा दस साल के, करा दूंगा इन के कोई दिक्कत नहीं आने वाली सारे तरह के क्वेश्चन करा दूंगा और यहां पर देखो बेटा अगर ये चार चैप्टर कर लिए चार चैप्टर तुमने कर लिए तो तुम्हारे कितने नंबर फिक्स हो गए एक और यहां से अगर एक या दो में से दो क्वेश्चन आ गए तो तुम्हारे पांच क्वेश्चन तो यहां से बन गए अब देखो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है ईएम ईएम वेव वेव में से बेटा एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा ही किस्मत रही तो दो साल दो बार दो दो क्वेश्चन आए हैं ईएम वेव से एक लेक्चर का चैप्टर है दो दो क्वेश्चन आए दो दो क्वेश्चन समझ रहे हो रॉन्ग कितनी बार ऐसा हुआ रोटेशनल से दो क्वेश्चन आए हैं छह सात लेक्चर के चैप्टर से और ईएम वेव दो लेक्चर का चैप्टर भी नहीं है एक लेक्चर का चैप्टर है उससे दो क्वेश्चन आ गए तो बेटा ई एम वेव इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चैप्टर अब यहां पर देखें इसके बाद हमारे पास साइज साइज का चैप्टर आते हैं में सबसे ऊपर मैंने आपको बताया था कौन है यूनिट्स एंड मेजरमेंट आपको यहां पर तीन से चार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कभी तीन आ रहे हैं कभी दो भी आ रहे हैं पर चार भी आ रहे हैं तीन से चार क्वेश्चन आप लोगों को ई एम वेव में इससे यूनिट्स एंड मेजरमेंट में देखने को मिल जाएंगे साफ साफ मिल जाएंगे बेहद इंपॉर्टेंट हो गया तीन से चार लेक्चर लगते हैं आप वन शॉट लगाएंगे तो पांच

वेव से एक क्वेश्चन आता है साथ लिखा है साथ लिखा है अब इन एटम्स एंड न्यूक्लिया में से तीन क्वेश्चन आ रहे हैं एटम्स एंड न्यूक्लिया से तीन क्वेश्चन आ रहे हैं डुअल नेचर से दो क्वेश्चन आ रहे हैं हर साल कंटिन्यूअसली डुअल नेचर से दो क्वेश्चन आएंगे एक क्वेश्चन आएगा एक क्वेश्चन आपको आएगा फोटोन के ऊपर एक

क्लियर कट क्वेश्चन आ रहे हैं सेमीकंडक्टर से भी अब देखें बेटा हम यहां पर देखते हैं एम के बाद एल एल में स्ट्रेट लाइन इंपॉर्टेंट है स्ट्रेट लाइन से चीख भैया क्वेश्चन तो दो से तीन ही आ रहे हैं एक या दो क्वेश्चन आते हैं दो से तीन क्वेश्चन आते हैं तो स्ट्रेट लाइन इंपॉर्टेंट क्यों हुआ क्योंकि स्ट्रेट लाइन का एप्लीकेशन स्ट्रेट लाइन के अंदर आता है ग्राफ्स बेटा स्ट्रेट लाइन के अंदर आता है डिफरेंशिएशन स्ट्रेट लाइन के अंदर आता है इंटीग्रेशन स्ट्रेट लाइन के अंदर आते हैं बेटा बेसिक्स जो दूसरे चैप्टर्स में काम आते हैं तो ये भी तुम्हारा टू डू लिस्ट में आएगा क्वेश्चन भले कम आ रहे हैं लार्ज चैप्टर है क्वेश्चन कम आ रहे हैं लेकिन करना नहीं छोड़ना है स्ट्रेट लाइन को जरूर करना है आर यू गैट अंडरस्टैंडिंग इट डू नॉट लीव द स्ट्रेट लाइन बिहाइंड इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर बिकॉज इट विल बी कंबाइंड विद मल्टीपल चैप्टर्स गेटिंग इट आर यू गेटिंग माई एनालिस इसके बाद देखो बेटा अगली चीज वर्क पावर एनर्जी वर्क पावर एनर्जी से अगेन कम चैप्टर आते हैं लेकिन वर्क पावर एनर्जी भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अगेन कंबाइन होता है वर्क पावर एनर्जी रिपीट होता है पावर मल्टीपल चैप्टर्स में रिपीट होता है वर्क पावर एनर्जी रिपीट होता है कहां कहां पे मैं आपको बताता हूं वर्क पावर एनर्जी ग्रेविटेशन में आता है वर्क पावर एनर्जी रोटेशनल मोशन में आता है वर्क पावर एनर्जी में आता है वेव में आता है हो सकता है SHM और वेव का जो चैप्टर है वो एनर्जी के ऊपर आ जाए हो सकता है इलेक्ट्रोसेटिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक चार्जेस वाला चैप्टर है वो भी किसके ऊपर आ जाए वेव वो भी एनर्जी के ऊपर आ जाए आपको समझ में आ रहा है उसके अंदर भी पावर बेटा कितनी बार ऐसा होता है कि पावर का क्वेश्चन आ गया करंट इलेक्ट्रिसिटी का पावर का क्वेश्चन आ गया। आर यू गैस गेटिंग इट तो वो पावर का क्वेश्चन कहां से आया है किस तरफ से आया है वो वेव ऑफ वेव, सॉरी पावर एनर्जी का तो क्वेश्चन है

याद रखना है कि इसको लास्ट में करना है सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया है समझ गया इसके बाद, इसके बाद, इसके बाद, अगली चीज की तरफ बढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कितने क्वेश्चन आ रहे हैं तीन से पांच क्वेश्चन सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर कहीं से आए हैं तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से आए हैं तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर बेटा पांच क्वेश्चन किसी और चैप्टर से नहीं आए कभी किसी और चैप्टर से नीट में पांच क्वेश्चन नहीं आए पिछले तीन साल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चैप्टर बन के आ जाता है तो वो बन के आ जाता है कौन करंट इलेक्ट्रिसिटी आर यू गैस गेटिंग इट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर पांच क्वेश्चन आए पांच ओके okay, इसके बाद देखिए बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एक से लेकर चार तक क्वेश्चन आ जाते हैं इसके बाद बेटा सेमी अगेन इंपॉर्टेंट सेमी की इंपॉर्टेंस थोड़ी कम हो जाएगी

भैया इसके बाद आपके पास पीएन जंक्शन डायोड का दो क्वेश्चन पूछ लिए हो सकता है लेकिन पर ट्रांजिस्टर का एक क्वेश्चन फिक्स आता था तो हो सकता है, ट्रांजिस्टर इस बार है तो इसका एक क्वेश्चन कम हो सकता है तो इसको उतना इंपॉर्टेंट भी ना माने लेकिन हाँ अब यहां पर इसके बाद आता है एक्सेल टॉपिक तो एक्सेल टॉपिक बड़े बड़े टॉपिक है बड़े बड़े टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड देखो बेटा ये दो चैप्टर मिला रहा हूं मैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड एक चैप्टर और दूसरा चैप्टर मैंने इलेक्ट्रोसेटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस भी मिला दिया समझ रहे हो पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के हिसाब से पांच से सवाल इलेक्ट्रोसे दो चैप्टर मिलाता हूं तब जाके पांच सवाल होते हैं और इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक चैप्टर में से आ है जाते हैं तो बेटा इतने सवाल यहां पर से आ रहे हैं आप लोगों को आई होप समझ में आ रहा होगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट देखो बेटा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और ऑप्टिक से तीन से चार सवाल आ रहे हैं यहां पर बेटा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज फ्लूड से आ रहे हैं एक से दो सवाल और यहां पर आखिरी में आता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल इससे आते हैं दो से तीन सवाल क्या चीखू भैया हमें ये सारे सवाल करने चाहिए क्या हर एक चैप्टर करना चाहिए हाँ आपको हर एक चैप्टर करना चाहिए पर मैं आपको बता रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिनको आपको पहले खत्म कर लेना है तो यहां पर मैंने लिस्ट बना दी शॉर्ट में आपके पास आ गया ई वेव सबसे इंपॉर्टेंट और मीडियम में आपके पास आ गया यूनिट्स एंड मेजरमेंट एटम्स एंड न्यूक्लियर डू नेचर इसके बाद लार्ज जो चैप्टर है उसमें आ गया करंट इलेक्ट्रिसिटी सेमीकंडक्टर्स मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म और भैया मोशन इन स्ट्रेट लाइन वर्क पावर एनर्जी और आखिरी में हमारे पास आता है एक्सेल साइस के जो चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर निकल के आता है वो आता इलेक्ट्रिक चार्जेस फील्ड चार्जेसिटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस इतने चैप्टर देखो जरा ध्यान से कितने चैप्टर हैं एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह ग्यारह चैप्टर बताए तीस में से ग्यारह चैप्टर बताएं ये ग्यारह चैप्टर में से बेटा देखो ट्वेंटी सिक्स से थर्टी नाइन क्वेश्चन अगर सबका मिनिमम भी आया जो इनसे मिनिमम आता है वो भी आया तो ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं सबका मिनिमम भी आया तो भी ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं और मैक्सिमम आ गया सब में से जो मैक्सिमम मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे थे कि एक से तीन आते तो तीन आ रहे हैं सबके मैक्सिमम मैक्सिमम जो क्वेश्चन है अगर वो आ रहे हैं तो थर्टी नाइन क्वेश्चन हो सकता है लेकर थर्टी नाइन तक भैया इनके बीच में क्वेश्चन आएंगे थर्टी क्वेश्चन समझ रहे हो तुम थर्टी क्वेश्चन मतलब सिर्फ इतने क्वेश्चन करके इतना चैप्टर करके सारे क्वेश्चन सही कर दिए थर्टी क्वेश्चन इस चैप्टर के करे और सारे सही कर दिए तो क्या तुमसे अगर थर्टी की बात करें तो वन ट्वेंटी नंबर तो यहीं से आ गए ग्यारह चैप्टर से वन ट्वेंटी पर नंबर कैन वेरी नो वन कैन हाउ हाउ मेनी विल कम बट आई प्रिडिक्टी क्वेश्चनिस मैंने आपको दिखा दिया एनालिसिस कि ऐसा एनालिसिस है ये पिछले गत सालों का एनालिसिस है हर एक चीज डिटेल में है हर एक चीज कहा किस चीज के आधारित पर बोल रहा हूं वो है अब इसके सबके अलावा क्या आपको बेटा भव्य फीलिंग आ गई क्या हर एक प्राणी को भव्य तरह से समझ में आ गया कि चीकू भैया मस्त चीज बता दी एक बार तेजी से आग लगा के बता दो चीकू भैया क्या गजब की चीज बता दी मजा आ गया चीकू भैया मजा आ गया गजब की चीज बता दी बेहतरीन एनालिसिस बता दिया है अब यहां पर देखो बेटा इसके अलावा मैं आपको तीन चार चीजें और बता देता हूं कि जितने भी फिजिक्स हैं जितने भी फिजिक्स के चैप्टर्स हैं और जितने भी फिजिक्स के क्वेश्चंस आते हैं आप अगर नीट का पेपर उठा करके देखोगे तो उसमें बेटा तीन से चार क्वेश्चन ध्यान से मेरी बात सुनना तीन से चार क्वेश्चन चीखो भैया तीन से चार क्वेश्चन कहां से आते हैं बे तीन से चार क्वेश्चन वेक्टर्स के आते हैं से क्वेश्चन वेक्टर के ऊपर आधारित होते हैं या फिर बेटा वो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के ऊपर आधारित होते हैं कुछ क्वेश्चन बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री पे आधारित होते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ रेशों पे आधारित होते हैं कैन यू इमेजिन बेटा बहुत सारे क्वेश्चन पे आधारित होते हैं ये मैंने इन तीन लेक्चर्स में कवर करा है अगर आपका बेसिक मैथ्स वाला पार्ट कमजोर है अगर आपका रेशो वाला पार्ट कमजोर है अगर आपका ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट कमजोर है, कम है अगर आपका कोई भी स्क्वायर रूट मतलब मल्टीप्लीकेशन डिविजन कोई कोई भी बेसिक पार्ट कमजोर है बेसिक मैथमेटिक्स का तो ये वाले लेक्चर जरूर देखें इनमें बेटा ये वाला जो लेक्चर है मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले वेक्टर्स वाले लेक्चर में मैंने पूरा वेक्टर कवर किया है इसके बाद कैलकुलस वाला जो लेक्चर है कहां गया ये कैलकुलस वाला जो लेक्चर है इसमें पूरा कैलकुलस डिटेल में कवर किया है पर इन दोनों के अलावा

कॉन्सेप्ट भले किसी और चैप्टर का लगा हो लेकिन यूज बेसिक मैथमेटिक्स आ रहा है क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या आपको लग गया क्या आपको समझ में आ गया कि यार चिकू भैया ने स्ट्रेटेजी बनाई है चिकू भैया ने प्लान बनाया चिकू भैया ने डिटेल बताइए क्यों बताइए क्या समझ के बताइए ये सोच के बताइए कि भाई आपका फायदा हो जाए आपको फैसला लेना आसान हो जाए कौन से डू और डाई चैप्टर है जिन्हें छोड़ के नहीं जाना है कौन से ऐसे चैप्टर है जिन्हें बिल्कुल शिद्दत से सॉल्व करके जाना है जिन क्वेश्चन चैप्टर्स को हल्के में नहीं लेना है वो ग्यारह चैप्टर मैंने आप लोगों को बताया और प्रूव करके बताएं कि क्यों है ठीक है चलिए भैया इसके अलावा आप लोगों के लिए एक और खुशखबरी मेरे पास है कि हम लोग आप लोगों के लिए ला रहे हैं एक ऑल स्टार बैच इस ऑल स्टार बैच की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये ऑल स्टार बैच है ये ऑल वो स्टार बैच ऑल स्टार का मतलब है कि इसमें हर बच्चा एक स्टार होगा ठीक है ऑल स्टार ये भी है कि सारे स्टार टीचर जो अन एकेडमी के हैं वो आप लोगों के सामने आप लोगों के समक्ष होंगे आप लोगों को पढ़ाएंगे ओके और इसके बाद हर एक बच्चा जो आप में होगा उसके पास स्टार बनने का मौका है हर बच्चे के पास स्टार बनने का मौका है और बेटा ये जो वक्त है ना ये वक्त इतना ज्यादा जरूरी हो गया इतना ज्यादा क्रूशियल हो गया है कि आपको ना अब फैसले लेने अगर आप वो बच्चे हो जिसने पूरी शिद्दत से पढ़ाई करी है आखिरी तक पढ़ाई करी है बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है तो ये बैच आपके लिए नहीं है पर अगर आप वो बच्चे हो जो डगमगा रहे हो आप वो बच्चे हो जो भैया बिल्कुल थोड़े से ऊपर नीचे हैं थोड़े से घबराए हुए हैं थोड़े से पछताए हुए हैं जिनके पास अब वक्त कम बचा है और जिनके पास उम्मीद कम है लेकिन एक धुंधला सा एक किरण दिख रही है पूरी गुफा के पार एक रास्ता दिख रहा है कि शायद वहां पहुंच जाए बेटा ये ये वो कोर्स है ये वो क्रैश कोर्स है जो आपको उस रस्ते पर लेकर के जा सकता है अब करेंसी बेटा इस समय इस समय जहां हम खड़े हैं और जहां बहुत सारे नीट एस्परेंट इस वक्त खड़े होते हैं इनके लिए करेंसी पैसा नहीं होता इनके लिए करेंसी होती है भरोसा इनके लिए करेंसी होती है मेहनत और सबसे बड़ी करेंसी होती है इन लोगों के लिए वक्त आपको बेटा अब सब कुछ आपके पास पैसा देखो है किसी के पास नहीं है मैं समझ सकता हूं लेकिन इस समय वक्त सबके तो पास कम है तो आपको इस क्रैश कोर्स में जो फायदा मिलेगा वो मिलेगा वक्त का

YouTube पे तो डीपीपी लेना शुरू करिए लेकिन इसके अलावा यहां अलग डीपीपी और मिलेंगी अब इसके अलावा और क्या होगा इसके अलावा बेटा टेस्ट टेस्ट होंगे जो इंपॉर्टेंट चीज होती, हो, तो हो होती है टेस्ट किसी बीमारी को पकड़ना है किसी बीमारी का इलाज करना है किसी चीज को ढूंढ के निकालना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कोई निकल के आती है तो आती है टेस्ट और आपको मिलने वाले हैं यहां पर टेस्ट ठीक है अब इन सारे टेस्ट के अलावा आखिरी में आपको मिल जाएगा भैया रैंक बूस्टर क्वेश्चन है उसके ऊपर ठीक है इसके अलावा ये सब तो देखो बेटा ये सारी चीजें यहां पर लिखी हुई इसके अलावा आपको क्या मिलेगा इसके अलावा आपको मिलेगा साथ हमारी गाइडेंस हमारा मोटिवेशन और बेटा समय समय पर आपको वो जो जोश चाहिए वो आपको चैट में दिखेगा आप वहां बैठे हुए लोगों के साथ आपको दिखेगा कि हां भाई हो सकता है इतने लोगों के बीच में मैं भी चमक सकता हूं मेरे पास भी मौका है एक आखिरी मौका है जहां मैं सब कुछ प्रॉपर तरह से मैनेज तरह से क्लासेज अटेंड कर रहा हूं इसमें क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं क्लास में आके टीचर सारे पी क्यू कंप्लीट कर दे रहा है वो एक मौका है समझ गए बेटा तो जिन लोगों को जरूरत है ट्रेनिंग की सिर्फ वही लोग लें जिन लोगों को जरूरत नहीं है जिन्हें लगता है वो खुद से कर सकते हैं जिन कॉन्फिडेंस है कि नहीं मैं सेल्फ डिसिप्लिन हूं मुझे और कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए मेरा सिलेबस कंप्लीट है मैं सिर्फ प्रैक्टिस करूंगा बेटा आप लोगों के लिए नहीं है फिर भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी है आपको ये बात समझ में आ गई है आपके लिए बेटा ये कोर्स की जो कीमत है मैं आपको पहले भी बता चुका हूं इस कोर्स की कीमत फाइव थाउजेंड रुपीज है लेकिन इस समय कोर्स की कीमत जो है वो है आपका वक्त आपको बहुत समय पे बेटा आपको हर हर प्राइस रेंज में कोर्स मिल जाएगा कोई फ्री में पढ़ा रहा है कोई पांच हजार में पढ़ा रहा है कोई दस हजार में पढ़ा रहा है कोई चालीस हजार में पढ़ा रहा है कोई दो हजार में पढ़ा रहा है कोई भाई हर तरह के क्रैश कोर्स आपको मिल जाएंगे सौ रुपए के एक रुपए का भी क्रैश कोर्स कहीं ना कहीं मिल जाएगा लेकिन करेंसी वो पैसा नहीं है करेंसी है भाई वक्त आपको चूज कर लेना है कहां पर आपका वक्त का सही इस्तेमाल होगा कहां पर आपके वक्त की सही कीमत निकलेगी क्लियर है क्योंकि ये वक्त वापस नहीं आएगा पैसा तो आप डॉक्टर बनेंगे आप कोई और प्रोफेशन में जाएंगे आप कोडिंग कर लेंगे आप टीचर बन जाएंगे तब भी आप लेकिन बेटा वक्त ये जो वक्त है जो आपको डॉक्टर बना सकता है ये नहीं आएगा सोच समझ के फैसला लीजिएगा ये रहा हमारा हेल्पलाइन नंबर आप दिख लें बहुत सिंपल एटी फाइव एटी फाइव एटी फाइव एटी फाइव एटी फाइव नंबर आएंगे आपके सिक्स एटी फाइव मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा बेटा आपको सेशन कैसा लगा आप कोर्स अगर खरीद रहे हैं तो ये भी चीज कमेंट करके बताइए कि आपको ये कोर्स के बारे में कैसी फीलिंग है ये वो कोर्स है जिसने पहले भी बहुत सारे डॉक्टर्स बनाए हैं बहुत सारे लोगों को सक्सेस वाले रास्ते पे बैठाया है बहुत सारे लोगों को यहां से यहां पहुंचाया है ओके बेटा तो क्या आप भी वो बन सकते हैं इस कोर्स के मदद से बेटा ये कोर्स उन्हीं की मदद करेगा जिनके पास असली शक्ति है ठीक है तो दो चीज के कमेंट करने हैं एक तो आपको कोर्स में इंटरेस्ट है नहीं है दूसरी चीज आपको जो कमेंट करके बतानी है वो ये कि आपको ये सेशन कैसा लगा क्या आपको मेरे लिए जो एनालिसिस था ये जो मेरा करा हुआ एनालिसिस था ये बहुत अच्छा लगा अगर आपको ऐसे और एनालिसिस चाहिए छोटी छोटी बड़ी बड़ी बातों पर तो मैं और करके लाता रहूंगा पर आपको कमेंट करके बताना होगा चीकू भैया एनालिसिस सही था अच्छा लगा जैसा भी लगा प्लीज मुझे बताइए क्योंकि इस तरह का वीडियो मैंने पहली बार बनाया है यूट्यूब पे क्लास में तो मैं हमेशा ऑफलाइन क्लासेस में ऐसे एनालिसिस बताता रहता हूं ओके चलिए खत्म करते हैं भैया मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में कल सुबह फ्रिक्शन की क्लासेज है सब लोग जरूर आ जाइएगा आपसे मिलते हैं कल सुबह की तक के लिए दिस को भैया साइनिंग ऑफ बाय गुड नाइट